चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। मेडिसिन पर महंगाई की मार, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब मेडिसिन पर महंगाई की मार, जिन इंजेक्शन पर पहले 70% डिस्काउंट था, अब सिर्फ 10% डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो मेडिसिन भी महंगाई की मार झेल रही हैं। अब इंजेक्शन जिन पर पहले 70% तक का डिस्काउंट दिया जाता था, अब 10% ही डिस्काउंट दिया जा रहा है। कोरोना और ब्लैक फंगस के संक्रमण के बीच दवा और इंजेक्शन महंगे हो गए हैं। दवा कंपनियों ने इंजेक्शन और दवाओं पर मार्जिन कम कर दिया है। अब मेडिसिन पर भी महंगाई की मार देखी जा रही है। चलिए इसी खबर पर और अधिक जानकारी ले लेते हैं। हमारे विशेष संवाददाता वैभव जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। वैभव जी, जहां एक और कर्फ्यू लगा, कई लोगों के रोजगार गए, उनकी रोज की जो आमदनी थी वो भी बंद हो गई, वहीं इसी बीच महामारी के फैलने के दौरान ही इंजेक्शन में जो पहले मार्जिन मिलता था, डिस्काउंट मिलता था, उसे भी अब घटा दिया गया है। बिल्कुल, महंगाई की मार अब प्रदेश की जनता को झेलनी पड़ रही है। लगातार महंगाई की दर में इजाफा हो रहा है, चाहे खाद्य तेलों की बात की जाए, पेट्रोल डीजल की बात की जाए, और जो दवाइयों की बात भी हम कर सकते हैं, क्योंकि दवाइयों पर ऋतु पहले जो डिस्काउंट होता था वो 10% से लेकर 70% तक हर प्रत्येक दवाई पर डिस्काउंट दिया जाता था, लेकिन अब डिस्काउंट पूरी तरीके से बंद हो गया है और MRP पर दवाइयाँ बेची जा रही हैं। तो कह सकते हैं कि कोरोना काल में लोगों की परेशानियाँ अब लगातार बढ़ती जा रही, क्योंकि ज़्यादातर लोग कोरोना के संक्रमण के शिकार हैं, ब्लैक फंगस बीमारी के शिकार हैं। ब्लैक फंगस जो बीमारी है वो पोस्ट कोविड बीमारी है, पोस्ट कोविड मतलब आप कोरोना के संक्रमण को तो मात दे देते हैं, लेकिन मात देने के दौरान बाद आप ब्लैक फंगस की बीमारी से भी संक्रमित हो सकते हैं। हमने देखा कि लगातार मध्य प्रदेश में इस तरह के मामले बढ़ते जा रहे हैं। तो जो दवाइयाँ ब्लैक फंगस के इलाज के लिए उपयोग की जाती हैं, कोरोना के लिए उपयोग की जाती हैं, उनकी दर, उनको जो पहले डिस्काउंट दिया जाता था 10% से 70%, वो डिस्काउंट पूरी तरीके से बंद हो गया है। तो इसको लेकर कहा जा रहा है दवा व्यापारियों के द्वारा कि जो कंपनियों के द्वारा कमीशन दिया जाता था, कंपनियों ने इस कमीशन को देना बंद कर दिया, और यही कारण है कि हमको MRP पर दवाई बेचनी पड़ रही है। तो मरीज भी परेशान हो रहे हैं कि पहले जो डिस्काउंट मिलता था वो डिस्काउंट मिलना बंद हो गया, दवाई की कालाबाजारी भी की जा रही है। हमने देखा कि 1586 रुपए का इंजेक्शन आता था रेमडेसिविर, वो इंजेक्शन 30,000 रुपए में बिका है। तो कितनी कालाबाजारी की जा रही है दवाइयों को लेकर, इंजेक्शन को लेकर। पहले जो डिस्काउंट मिलता था वो डिस्काउंट मिलना भी बंद हो गया है। उसके पीछे तर्क दिया जा रहा है कि दवा कंपनियों के द्वारा जो कमीशन दिया जाता था, उनके द्वारा कमीशन देना बंद कर दिया है। हालांकि इसको दवाइयों को लेकर भी नियम है कि MRP से ज़्यादा पर किसी भी दवाई को नहीं बेचा जा सकता है। तो मरीजों के परिजन अगर MRP से ज़्यादा पर कोई उनको दवाई बेच रहा है तो उसकी शिकायत कर सकते हैं जो जिला, जो बहुत से लोग होते हैं, आप ऑनलाइन भी इसकी शिकायत कर सकते हैं कि MRP से ज़्यादा पर अगर कोई आपको दवाई बेच रहा है, तो जो ड्रग स्टोर संचालक होते हैं उनको भी आप शिकायत कर सकते हैं। इसके साथ ही सरकार के द्वारा भी ड्रग इंस्पेक्टर्स बनाए जाते हैं, उसको भी आप शिकायत कर सकते हैं कि MRP से ज़्यादा पर दवाई बेची जा रही है। तो इन सबकी शिकायत के बाद विभाग के द्वारा कार्रवाई भी की जाती है, लेकिन जनता पर महंगाई की मार है। दवाइयाँ भी महंगी हैं, खाद्य तेल भी महंगे हैं, पेट्रोल डीजल के दामों में भी लगातार इजाफा होता जा रहा है, और ऐसे में जनता क्या करे, क्योंकि आमदनी तो हो नहीं रही है, लगातार कम आमदनी के बीच में जनता को परेशान होना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, बाबर जी बने रहेगा आपके पास, फिर लौटेंगे। तो कोरोना संक्रमण की मार तो हर कोई झेल ही रहा है, लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, पेट्रोल डीजल के दाम हो चाहे खाद्य तेलों के दाम हो, और इसी बीच अब मेडिसिन भी महंगी हो गई, यानी कि जनता को इन सब महंगाइयों के साथ साथ मेडिसिन पर भी महंगाई की मार झेलना पड़ेगा।